अपना थायराइड का सेशन चल रहा था, जिसमें पार्ट वन में हमने जाना थायराइड के प्रकार, लक्षण, कारण और अन्य और भी चीजें जानी। अभी थायराइड का सेकंड पार्ट चलेगा आज, जिसमें हम जानेंगे थायराइड में खाने में क्या लेना चाहिए हमें और किस चीज का हमें सेवन करने से बचना चाहिए जिससे थायराइड का लेवल बढ़ जाता है, और योगासन जिससे हमारे दैनिक दैनिक जीवन में अपनाने से उससे हमारे ये हार्मोनल जो असंतुलन होता है उसमें सुधार हो सकता है। मानसिक रूप से जो तनाव होता है, मानसिक शांति हो सकती है, आंतरिक रूप से हम खुश रह सकते हैं, ऐसी चीजें हमें अपनानी चाहिए। तो इस सेशन में हम इन्हीं चीजों के बारे में जानें। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं ये चाहती हूँ कि आप दर्शक हैं, आप ऑडियंस हैं, आप लोगों का बताना, मुझे मोटिवेट करना या मेरे सेशन में किस प्रकार की कमी है या किस प्रकार का मुझे मोटिवेशन आप दे सकते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज है इस समस्या से संबंधित तो वो भी जरूर आप शेयर करें, मैं एनी टाइम आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में सबसे पहले है कि आपका खान पान क्या होना चाहिए, यानी कि हमें थायराइड है, हमें किसी भी प्रकार की, तो उसमें हमें क्या खाना चाहिए। तो कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियों से संबंधित या कुछ ऐसा खान पान है जो हमारे दैनिक जीवन में हमें अपनाना चाहिए। हम अपने टेस्ट के लिए कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जो हमारे टेस्ट के लिए तो अच्छा होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ऐसी चीजों से हमें परहेज करना है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं जिसको मैंने शामिल किया है जो आपको लेनी है खाने के अंदर और वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। कुंभी व सहजन, सहजन की तो फली हो, जलकुंभी नाम से कोई जड़ी बूटी आती है, उसका आप सेवन करें। उसको मतलब आप नॉर्मली सब्जी के रूप में पका के खाएं, कच्चा तो आपको खाना ही नहीं है। इसमें जो कच्चा, जितना ऐसी कोई चीजें सैलड वगैरह खाते हैं या कुछ ऐसा खाते हैं तो कच्चा ज्यादा नुकसान करता है, तो आप थोड़ा सा इसको कच्चे को पका के खाएं। ये आपके आयोडीन के स्तर को बढ़ाता है, यानी कि आयोडीन लेवल होता है, हम पर्याप्त मात्रा में नमक नहीं खा सकते और हमें डॉक्टर से ये बताया कि पर्याप्त मात्रा में नमक ले तो हम एक साथ तो उसको खा नहीं सकते, तो ये सब चीजें आयोडीन के साथ साथ में जो जो अन्य चीजें होती हैं वो भी हमें अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करना है। दो जड़ी बूटी और होती है, धनिया, धनिया जिसको अपन जानते हैं, और जीरक सिद्ध जाला। क्या होता है? जीरक सिद्ध जाला, इनका भी आपको इसी तरीके से खाने में सेवन करना है, यानी कि सब्जी के रूप में सेवन करना है। आयोडीन की कमी से गलगंड तरीके का रोग हो जाता है, यहाँ पे थ्रोट होता है वो धीरे 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 लटकने लग जाता है, मोटा होने लग जाता है, तो इस तरह की सूजन को आपको कम करता है। जो गले में खरखराहट होती है और बिना बेमौसम के ही हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा गला खराब हो रहा है, तो वो समस्या दूर होती है। इससे अच्छा यदि आपके कोई गर्मी या पाइल्स की प्रॉब्लम है तो इस चीज को जरूर अवॉइड करें। बाकी आप जैसे अदरक होती है तो अदरक का पानी उबाल करके चाय की तरह गरम गरम सिप करके लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा फायदेमंद है। लेकिन हाँ, ये चीज आपको तभी लेनी है जब आपको आपके कोई शारीरिक अन्य कोई समस्या नहीं है, अन्यथा आप ना लें। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए या थायराइड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए आपको सुबह सुबह की धूप लेनी जरूरी है। ये हम सभी जानते हैं कि सुबह की धूप कितनी फायदेमंद है, लेकिन आप जानते हैं, हम सभी हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं, तो इस कोशिश करें कि सुबह सुबह की आप धूप ले 12 बजे से पहले पहले, क्योंकि इससे थायराइड ग्रंथियां सक्रिय होती हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। इसके अलावा जो कैल्शियम चयापचय होता है उसको भी नियंत्रित करता है। अब है किन चीजों को आपको सेवन नहीं करना चाहिए, कि तो आप खाने में जैसे जो खा रहे हैं वो सब ठीक है। जड़ी बूटियां मैंने इसलिए बताई हैं कि बाकी खाने में हम सारी चीजें उड़ लेते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो आपके थायराइड को आसानी से कंट्रोल करती है। बाकी आप हरी सब्जियां खाएं, हरी सब्जियों में आप ब्रोकली है, ये सब चीजें खाएं, लेकिन इनको आपको कच्चा नहीं खाना है। पत्ता गोभी है, ब्रोकली, जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको कच्चा बिल्कुल सेवन नहीं करना है। सेवन करें, अधिक से अधिक करें, अगर स्टोन संबंधी समस्या है तो अवॉइड करें, अदरवाइज आप करें लेकिन उसको उबाल करके और किसी भी तरह से आप फ्राई करके सेवन करें। कच्चा सेवन नहीं करना, क्योंकि कच्चा सेवन करना आपके लिए थायराइड के लेवल को और ज्यादा बढ़ा सकता है। फ्रूट्स में आपको केले और सेब, यानी कि केले और सेब होते हैं वो भी थायराइड में बहुत अच्छे रहते हैं, उनका भी सेवन करें, बहुत फायदेमंद रहता है। कुछ चीजें होती हैं जिनका हमें परहेज करना चाहिए। चीनी कम मात्रा में लेनी है, चीनी
चीनी होती है वो मोटापा बढ़ाती है, थायराइड को भी बढ़ाती है, इसलिए चीनी का सेवन कम से कम करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी मिठाई के रूप में हो, चाहे वो कैफीन या चाय कॉफी के रूप में हो, लेकिन आपका उसका सेवन कम से कम करना है। ये और मसालेदार सब्जियां होती हैं उनका सेवन ना करें, क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा हम ध्यान देते हैं टेस्ट पे, तो टेस्ट के लिए नहीं खाना है आपको, आपके स्वास्थ्य के लिए खाना है इस टाइम पे। तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है वही खाने में सेवन करें, इसका सेवन बिल्कुल नहीं करें। अगर आटा सेवन करते हैं तो आटे में आप मल्टीग्रेन थोड़ा थोड़ा यूज में लें, कंटिन्यू नहीं खा सकते हैं तो बीच में आप 15 दिन का गैप दे दीजिए, 15 दिन खा लीजिए, या एक टाइम खा लीजिए, एक टाइम सिंपल खाना खा लीजिए। इस तरीके से राइस का उपयोग कम से कम करें, राइस तो बिल्कुल भी यूज में नहीं लेना है। थायराइड के लिए योगासन, क्योंकि हमने खान पान में अपना ध्यान दिया, खाना खाना पीना हमारा अच्छा है, लेकिन कुछ योगासन होते हैं, ध्यान रहे कि मानसिक तनाव के कारण भी थायराइड होती है, तो इस वजह से इसमें इस शांति के लिए आपको ये योगासन और प्राणायाम आपको दैनिक जीवन में अपनाने हैं। हम अपना काम काज छोड़ के, हम अपना सर्विस का टाइम छोड़ के, हमारी किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, हम समय निकालते हैं, तो क्या आप अपने लिए आधा घंटा रोज सुबह नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, अगर स्वस्थ रहना है तो रोज आधा घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हैं, जिसमें आप 15 मिनट का, 15 मिनट का अगर योगासन करते हैं और 15 मिनट का प्राणायाम करते हैं, तो इससे आपकी जो जीवन स्तर है वो बेहतर हो सकता है। योगासन में सबसे पहले है सिंहासन। सिंहासन में आपको क्या करना, मैंने साइड में दर्शाया है, सिंहासन में आपको बैठना है और आपको जीभ को बाहर निकाल के और अपने सांस को थ्रोट से यानी कि गले से टकराते हुए सिंह की दहाड़ निकालनी है, जीभ को बाहर निकाल करके सिंह की दहाड़ निकालनी है, जिससे क्या होता है गले से वो श्वास टकराती है तो जो अपनी थायराइड ग्रंथि होती है वो सक्रिय होती है, यानी कि उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। अपना भुजंगासन, भुजंगासन क्या है, भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहते हैं, कोबरा पोज यानी कि सांप के जैसा पोज, सांप के जैसा पोज करना, जिससे आपका ये गर्दन इस तरीके से पीछे की तरफ होती है, तो इससे क्या होता है आपके गले की जो इमाम मसल्स होती हैं या थायराइड ग्रंथि होती है उसमें खिंचाव आता है, खींचा हुआ था तो गर्दन का क्षेत्र होता है उसका परिसंचरण होता है वो बढ़ता है, यानी कि आपका सर्कुलेशन वगैरह सब कुछ बढ़ता है और थायराइड ग्रंथि होती है वो सक्रिय हो जाती है, उसकी गतिविधि भी बढ़ जाती है। किसी के अगर सांस संबंधी समस्या होती है तो उसमें भी उसके लेवल में भी सुधार आता है, ये आसन बहुत अच्छा है, यानी कि ये एक बीमारी से संबंधित बता रही हूँ, बाकी आपके जो फैट लेवल है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके जो फेस का ग्लो है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, यानी कि हर तरह से हर आसन फायदेमंद है। हलासन, हलासन क्या होता है, आपको अपने हाथों को टिका करके सीधा लेट करके धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ, हल्की तरह पीछे की तरफ लेके जाना है, उन अंगूठों को आपको टच करना है जमीन के। अगर आपसे ये एक साथ नहीं हो पाता है, मुझे पता है जिसका प्रयास नहीं है या जिसका अभ्यास नहीं है तो उसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी मांसपेशियां होती हैं वो जकड़ी हुई रहती हैं, तो ये धीरे धीरे लेवल में आपको अगर ऊपर तक आप आ सकते हैं, थोड़ा सा झुका सकते हैं अपने पैरों को तो उतना ही झुकाए, आपको एक साथ एक ही दिन में ऐसा अभ्यास नहीं करना है जिससे आपकी मांसपेशियों में अकड़न हो जाए या किसी प्रकार के कहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो जाए, ऐसा कार्य नहीं करना है, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाना, जहां तक आपके पैर पहुंच पाते हैं वहां तक पहुंचे और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहे। इससे भी क्या होता है, जो आपका गला होता है यहाँ पे आप खुद महसूस करेंगे कि यहाँ पे आपके दबाव पड़ता है, जिससे आपकी थायराइड लेवल होता है या थायराइड ग्रंथि होती है उसकी एक्टिविटी बढ़ती है। सेतुबंधासन का मतलब क्या, तो इसको अपन इंग्लिश में ब्रिज पोज भी कहते हैं, ब्रिज पोज करना है, यानी कि आपको पैरों को ऊपर उठा के साइड में मैंने दर्शाया है, पैरों लेटना है और साइड में हाथ रखना है, सांस को ऊपर लेते हुए आपको ऊपर आना है, सांस को लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है, और ध्यान रहे सांस होता है वो आपके थ्रोट से टकराते हुए जाना चाहिए, थ्रोट से टकराते हुए आना चाहिए, ये आसन भी आपके थायराइड के लिए कारगर है। नेक्स्ट प्राणायाम, प्राणायाम आसन तो अपने चार हैं, और भी कई आसन हैं जो आप कर सकते, लेकिन फिलहाल क्या होता है कि अपन स्टार्टिंग में लेते हैं तो इतने फिर कंफ्यूजन हो जाते हैं कौन कौन से करें कौन कौन से छोड़ें, इसके साथ साथ में प्राणायाम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सांस से संबंधित है और सांस से संबंधित जो प्राणायाम होते हैं गले से टकराकर जो होते हैं वो भी
आपके योगासन से भी ज्यादा फायदा करते हैं, हर तरीके से फायदा करते हैं, अन्य बीमारियों में भी फायदा करते हैं। प्राणायाम में कपालभाति है, जो आपको सांस को अंदर लेके और आपको सांस को धीरे धीरे टुकड़ों में छोड़ना है। फिर दूसरा आपका आसन है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का मतलब क्या होता है, आपको गले से सांस लेना है, गले से सांस लेके गले से ही अंदर सांस लेना है और हाथों को आपको ऊपर आंखों के ऊपर लगाना है और भंवरे के गुंजन के जैसी आवाज निकालते हुए उस सांस को बाहर निकालना है। तो इस तरीके से जो आपके थ्रोट से यानी कि गले से यानी कि इस तरीके से गले से आपके घर्षण होगा उस सांस का, तो वो थायराइड ग्रंथि को कार्य करने में मदद करेगा। उज्जयी प्राणायाम भी ऐसे ही होता है, आपको नॉर्मल बैठ करके प्राणायाम में तो आपको आंखों के ऊपर अंगुलियां रख करके आपको कंपन के साथ में आवाज करनी है थ्रोट से टकराते हुए, लेकिन इसमें आपको नॉर्मल बैठ के सांस को अंदर लेना है गले से टकराते हुए और उसी तरीके से एक इसकी आवाज निकालते हुए सांस को बाहर निकालना है। ये है अपना उज्जयी प्राणायाम। अलावा जो आप अन्य प्राणायाम भी हैं वो भी आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है उनमें, लेकिन ये जो प्राणायाम है वो स्पेशली आपके गले से सांस का टकराना या गले से संबंधित जो योगासन है जिसपे थोड़ा सा गले पे दबाव पड़े, तो ये आपके लिए इस थायराइड के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जिन्होंने सेशन को पूरा वॉच करना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है थायराइड से संबंधित या आपकी कोई पर्सनल समस्या है जो शारीरिक हो तो आप मेरे साथ में शेयर जरूर कर सकते हैं, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। अगले सेशन में मिलते हैं इसी तरह के वीडियोज के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।